भव्य कलश यात्रा का हुआ आयोजन। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा नारायणगढ़ के सानिध्य में राम जन्मभूमि अयोध्या से आए पूजित अक्षत्रों के नारायणगढ़ पहुंचने पर लक्ष्मी नारायण मंदिर नारायणगढ़ में पूजा अर्चना के साथ भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर से मुख्य बाजार तक भव्य रैली निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष दयाल सिंह तड़ाकी ने बताया कि अयोध्या से पहुंचे पूजित अक्षतों को विकास खंड के चारों न्याय पंचायत नारायणगढ़ भगवती हरमनी और जाख पाटियों के प्रतीक घर तक पहुंचाया जाएगा, जो 1 से 15 जनवरी तक सभी घर में पूजित अक्षत पहुंच जाएंगे। वहीं 22 जनवरी को नारायणगढ़ लक्ष्मी नारायण मंदिर में भव्य राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसमें 153 गांव के लोग पहुंचेंगे। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष दयाल सिंह तड़ाकी, जिला धर्म जागरण अध्यक्ष नवीन सिलोड़ी, ब्लॉक प्रमुख यशपाल नेगी, समाज सेवी डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी, भगवती सती विधायक प्रतिनिधि दलीप नेगी, कमलेश सती, जिला महामंत्री देवेंद्र नेगी, रक्षित सती, संघ चालक गंगा सिंह नेगी, राजेंद्र सिंह बिस्ट, मंजीत सिंह कठैत सहित विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। 500 सालों की प्रतीक्षा में आज श्री राम अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। 22 जनवरी को हमारा पूजन और राम मूर्ति स्थापित होगी। उसी संदर्भ में जैसे मेरे प्रखंड नारायणगढ़ से हम 153 गांव में चार टोलियां बना के गए थे। राम भक्तों ने भरपूर सहयोग दिया है, सनातनों ने भरपूर सहयोग दिया है। उस समय तो हम राम मंदिर बनाने के लिए लोगों से दक्षिणा लेने गए थे। आज मंदिर भव्य बन गया है, रामलला विराजमान हो चुके हैं, पूजन कार्य होगा, शिलान्यास होगा, जो 22 तारीख की तारीख रखी गई है। उसी संदर्भ में हमने आज अयोध्या से आए हुए अक्षत पूजन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में किया। तत्पश्चात उन अक्षत को लेकर के हम पूरे बाजार में राम की कृपा से राममयी पूरे नारायणगढ़ बाजार को बनाया और अग्रणीय 15 दिनों के लिए हमें आदेश हुआ है विश्व हिंदू परिषद आरएसएस की तरफ से, संघ की तरफ से, कि 15 दिनों में हमने ये अक्षत प्रत्येक घर घर पहुंचाना है। और मेरा भी यही निर्देश है सभी भक्तों से, जो अक्षत बांटने के लिए जाएंगे हमने टीमें बना दी हैं, आप किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे। अयोध्या से आए हुए अक्षत को हम घर घर पहुंचाएंगे और अयोध्या जाने के लिए आमंत्रित करेंगे। जो भक्त अयोध्या नहीं जा पाएगा, हमारे नारायण मंदिर नारायणगढ़ 22 तारीख को हम यहां पर भी आयोजन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भक्तों को जय राम, जय श्री राम। जय रामचंद्र जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है और 22 तारीख को माननीय मोदी जी उसका जो है शुभारम्भ करेंगे। और इसी के निमित्त गाँव गाँव में जो हमारी ये विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस द्वारा अक्षत यात्रा निकाली जा रही है और अभी जो हमारी नारायणगढ़ में जो है चार टोलियां बन चुकी है, गांव गांव में जाएंगे, सभी से जो है अयोध्या आने का निमंत्रण दिया जाएगा, सभी को अक्षत दिया जाएगा। और इसीलिए यह कलश यात्रा यहां पे की गई, लोगों में सभी को निमंत्रण अयोध्या आने के लिए किया जाएगा। श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर जो है अयोध्या में जो तैयार हो गया है और वहाँ पर जो है एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम के तहत वहाँ पर भगवान को हम लोग जो है एक राम श्री रामचंद्र भगवान के मर्यादा श्री पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के उत्साह में सभी लोग अनुसांगिक सभी संगठन हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और अपने अनुसांगिक सभी जो जितने भी संगठन हैं सभी लोग यहां पर एकत्रित होकर और अयोध्या से पूजित अक्षत आए हुए हैं कलश में। और 1 से 15 जनवरी तक हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक गांव में प्रत्येक परिवार में इन अक्षतों को हम पहुंचाएंगे और इन अक्षतों को जब हम देंगे तो हमारा लक्ष्य ये है कि हम लोगों से ये कहेंगे कि आप इन अक्षतों को अपने देवस्थान में भी रख सकते हैं। साथ ही 22 जनवरी को जब भव्य और दिव्य राम मंदिर में भगवान विराजमान होंगे तो उस दिन हम इन अक्षतों को जो है अपने परिवार में जो है वितरित करके अपने को चंदन भी उनके लगा सकते हैं। क्रम रहा श्री राम के भक्तों के द्वारा भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर से एक हमने सफल रैली का आयोजन किया, जिसमें सभी हिंदू संगठनों ने उस भाग लिया और
हम एक किलोमीटर का जो हमारे पद यात्रा रही और हम हमारा समापन कार्यक्रम अपने बस स्टैंड तक करा।